बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेन्यू में है चिकन लज़ानिया, जिसकी एक ख़ास बात यह है कि ये क्विक और वन पॉट कुकिंग है, जो कि बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे पहले हमने एक पैन लिया, उसके अंदर 1/4 कप ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर हम फाइनली चॉप की हुई प्याज डाल देंगे एक। इसको हमने फुली कुक ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही सौते करने के बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। चिकन मीट मैंने लिया है 500 ग्राम। आप इसके अंदर बीफ या मटन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा टाइम लेता है, तो हमारी क्विक कुकिंग है इसलिए मैंने चिकन का ही डाला है। इसको अच्छा सा हमने साथ साथ कुक करते रहना है, सौते करते रहेंगे। ये देखें, चिकन अपने ही पानी में अच्छा सा पक गया है। अब हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करनी है 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, ओइस्टर सॉस 1 टेबल स्पून। चिकन क्यूब्स मैंने 2 लिए थे, उनको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर लिया है, वो भी शामिल कर दिए। वाइट पेपर 1 टेबल स्पून, वॉर्सरशायर सॉस 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टेबल स्पून, थाइम 1 टेबल स्पून, ओरिगनो 1 टेबल स्पून, बेजिल 1 टेबल स्पून। ये तमाम स्पाइसेस आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। अब इसको हमने अच्छा सा इन स्पाइसेस में भून लेना है। ये मैंने रेडीमेड पास्ता सॉस डाली है, पूरी बॉटल शामिल कर देंगे। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। विनेगर डाला है 2 टेबल स्पून। अब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 2 ग्लास, और लज़ानिया की एक पूरा पैकेट हम शामिल कर देंगे। इस स्ट्रिप्स को मैंने 2 हिस्सों में कर लिया था ताकि ईजीली आ जाए पूरी। अब एक और पैन में हमने बटर लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 2 ही टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है, क्योंकि बटर ऐसे थोड़ा जल जाता है। मैदा शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून, और इसको अच्छा सा हमने सौते कर लिया है। अब दूध शामिल कर देंगे, तकरीबन 1/2 लीटर दूध है, तो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। साथ साथ हमने इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी बन गई है। ये देखें पास्ता स्ट्रिप्स जो है, लज़ानिया स्ट्रिप्स, बहुत अच्छी सी गल गई हैं। इसके ऊपर मैंने ये वाइट सॉस पोर कर दी है। अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे, जितना आप चाहते हैं कि जितनी चीज़ होनी चाहिए। मैंने इसको फुली कवर कर दिया था। दो से तीन मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद मैंने ये चिकन फ्लेक्स डाले हैं। ये देखें, ये लज़ानिया किसी तरह भी बेक लज़ानिया से कम नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। खाइए और इन्जॉय कीजिए।